किसी जमाने में युवराज सिंह ने कहा था कि बाबू जब तक बल्ला चलता है तब तक ठाट है, उसके बाद हर कोई करता ढेरों सवाल है। हाँ देखिए ना, बाबर आजम जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना जन्मदिन मनाया है, उनकी तारीफ छोड़िए, उनकी कप्तानी को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। और यह सवाल इंडिया से नहीं खड़ा हुआ है, बाबर की कैप्टेंसी पर इंडियन सवाल करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के बीच में पाकिस्तान से सवाल उठा है कि क्या बाबर आजम को एज ए कैप्टन हटाया जाना चाहिए। और ये काफी बड़ी खबर है क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के बीते कुछ सालों से कप्तान हैं, और इंडिया के सामने जब 192 का लक्ष्य पाकिस्तान बनाती है, 36 रन पर 7-8 विकेट गिरा देती है, इंडिया आसानी से 30 ओवर में 7 विकेट रहते मैच जीत जाती है, उसके बाद चारों तरफ चर्चाएं तेज हो गई। हमने आपको पहले भी कहानियों में सुनाया कैसे बाबर आजम के फादर जो हैं उनको टॉक्सिक फैंस ने परेशान कर दिया, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन अब खबर आई है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान टीम के एक्स कैप्टन रहे, बाबर आजम के सहयोगी रहे, बाबर आजम की अगुवाई में खेलने वाले या बाबर को अपनी कैप्टेंसी में खिलाने वाले शोएब मलिक ने कहा है कि इट्स हाई टाइम कि बाबर आजम शुड रिजाइन एज अ कैप्टन। वो कैप्टन अच्छे नहीं है और उनकी जगह शाहीन शाफरीदी को कैप्टन बनाया जाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर वो एक्स फैक्टर है जो बाबर आजम एज अ कैप्टन मिसिंग। दरअसल एक सवाल पूछा गया था, एक शो में शोएब मलिक बैठे थे, एक सवाल आया कि क्या बाबर आजम एक एवरेज कैप्टन है, क्या वो कुछ अलग से नहीं करते हैं, क्या वो एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल कैप्टन है जिनके सामने आपको पता होता है कि क्या करने वाले, उनके अगले मूव को लोग जानते हैं। तो पैनल में कई लोग थे, वसीम अकरम थे, तमाम लोग थे, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू कॉमेंट ऑन दिस, क्योंकि अगर इस समय इस सवाल का जवाब दिया जाएगा सो अगर कोई ऐसा खिलाड़ी जो टीम में मौजूद है उसका नाम हम लेंगे तो फिर बवाल खड़ा हो सकता है और टीम में आपस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, ये वहां कहा गया एक दो पैनलिस्ट की तरफ से। लेकिन तभी शोएब मलिक ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस पर अपनी राय देना चाहूंगा और मैं ईमानदारी से राय देना चाहूंगा। शोएब मलिक ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर बट वेन इट कम्स टू हिज कैप्टेंसी, यानी जब उनकी कैप्टेंसी की बारी आती है तो वो एक साधारण कप्तान है जो विश्व विजेता नहीं लगते हैं। शोएब मलिक कहते हैं कि यार बाबर आजम के ऊपर जो मैं टिप्पणी कर रहा हूं ये एक मैच से इंस्पायर्ड होकर नहीं कर रहा हूं, ये काफी होमवर्क करने की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि बाबर आजम एक खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तान के लिए चमत्कार कर सकते हैं और काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक कैप्टन के तौर पर उनके अंदर वो बात नहीं है जो पाकिस्तान टीम को लीड करने वाली है और उन्होंने बीते सालों में अपने आप को। शोएब मलिक कहना है कि ये एक मैच के बेस पर नहीं है, ये ओवरऑल बेस्ड है और इस पर मेरी राय है। शोएब मलिक ये भी कहते हैं कि बाबर आजम ऐसे समय है जिन्होंने लंबे समय तक पाकिस्तानी कैप्टेंसी की, लेकिन इसके बावजूद दबाव में होने से कैसे निकला जाता है वो नहीं समझ पाए, और ये कहते हैं कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, बाबर आजम एक लीडर के तौर पर लीग सेट कर नहीं सोचता, बेहतर है वो एज अ कैप्टन अपने आप को बैक करे और एज अ प्लेयर टीम में अपने आप को इन्वॉल्व करे और फिर धीरे 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 इंप्रूव कर जाएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि जी कौन कैप्टन बन सकता है, तो उन्होंने कहा देखिए इस टीम में सिर्फ एक प्लेयर है, किसी ने कहा कि वाइस कैप्टन बनेगा, सुनने का नहीं नहीं वाइस कैप्टन शादाब खान की कोई जगह पक्की नहीं है, उनका कहना था कि शाहीन शाफरीदी को कैप्टन बनना चाहिए। पूछा गया क्यों उसके पीछे कहा जा रहा है, उन्होंने कहा जी शाहीन जो हैं वो जबरदस्त प्लेयर हैं और जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी पीएसएल की टीम को जिताया है, लगातार वो एक क्वालिटी नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं। फिर वसीम अकरम और तमाम लोगों ने कहा लेकिन उसके पीछे शायद लाहौर कलंदर उनकी टीम है, इफ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि उसके पीछे एक बड़ा थिंक टैंक है जो छोटी छोटी बातों के, उनका नहीं ये मैं होमवर्क करके कह रहा हूं कि शाहीन अपने फैसले लेना जानते हैं, बाबर आजम फैसले फॉरवर्ड करना जानते हैं, वो सिर्फ दोस्ती यारी दोस्तों को कैसे खिलाया जाए, कैसे टीम में रखा जाए, उनके साथ कैसे चला जाए और जो अंदर से डिसाइड हुआ उसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये बाबर। हमें लगा आपसे पूछते हैं कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि यही बात कमोबेश मोहम्मद आमिर ने भी कही, मोहम्मद आमिर भी ये कह रहे थे कि भैया यही कहानी है, एज अ प्लेयर बाबर आजम इज ग्रेट नो क्वेश्चन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कैप्टेंसी बाबर आजम इज अ मीडियोकर, एक एवरेज प्लेयर है। वैसे बाबर की कैप्टेंसी को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, उनकी टीम सिलेक्शन को लेकर बहुत सारी चीजें जिसको लेकर लगातार फैसले हो रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा सच ये भी है कि जब तक दुनिया जीतती है तब तक दुनिया सलाम करती है, जब सवाल तब खड़े होते हैं जब आप हार जाते हैं,
अभी हालांकि टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, लेकिन बीच टूर्नामेंट में बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने की मांग, वो भी फैंस के द्वारा नहीं, क्रिटिक्स के द्वारा नहीं, बल्कि एक्स पाकिस्तानी कैप्टन के द्वारा जो उनके साथ बहुत मैचेस खेले हैं, या आमिर, चलिए आमिर का तो फिर भी समझ में आता है, आमिर और बाबर की राइवलरी चलती रहती है, सोशल मीडिया पर भी दिखाई पड़ती है, दोनों एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन बाकी थोड़ा शॉकिंग मेरे लिए और ये एक हैरानी की बात है। हालांकि जिन लोगों ने भी क्वेश्चन उठाए वो मैंने कहना था कि बाबर आजम एज अ प्लेयर पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर है, उनको खेलना चाहिए, लेकिन उनके बर्थडे के इर्द गिर्द ये टॉक्सिटी जो है ये उनके फादर तक पहुंची थी और इसी वजह से उन्होंने अपना अकाउंट बंद किया था। फिलहाल पाकिस्तान 3 मैच खेल चुका है, 2 जीता है 1 हारा है, अगर यहां से 4 मैचेस और हारता है तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 6 मैचेस पाकिस्तान के बचे हैं और 6 में 4 मैचेस जो उनके हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, तो ये 4 मैचेस बहुत बहुत टफ है और अफगानिस्तान वाला मुकाबला भी इतना इजी रहने वाला नहीं है, तो ये आई थिंक एक बहुत टफ है, देखते हैं क्या